म्यूजिक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रूबी एक पढ़ी लिखी लड़की थी जिसकी शादी शहर में होती है, लेकिन रूबी की सास सरला गांव से शहर कुछ दिनों के लिए रूबी के पास रहने आई थी। पर सरला का तो गांव से शहर आना मुसीबत बन गया था, वो भी इसीलिए क्योंकि सरला को शहर की हवा रास ही नहीं आ रही थी। एक रोज सरला हॉल में बैठी हुई थी और उसकी पड़ोसन विमला का आना होता है। विमला सरला को देखकर कहती है, क्या बात है सरला, तेरा तो यहाँ आना जाना लगा ही रहता है, फिर भी तू यहाँ अकेली उदास क्यों बैठी है, कोई बात हो गई है क्या? नहीं नहीं कोई बात नहीं हुई विमला, लेकिन मेरा तो यहाँ जी ही नहीं लग रहा, क्या बताऊँ तुझे। हाँ हाँ, यहाँ मन लगा पाना गांव के लोगों के लिए मुश्किल है, क्योंकि यहाँ का प्रदूषण भी काफी जहरीला है और इसी वजह से तो यहाँ ज्यादातर लोग बीमार होते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ अपनी बहू से बोल, यहाँ का घर बार बेचकर गांव में बस जाए, सेहत भी अच्छी रहेगी और गांव के तौर तरीके भी आ जाएंगे, लेकिन बच्चे कहाँ ही समझते हैं। लेकिन अब जैसे ही देर शाम रूबी घर आती है तो वो अपनी स्कूटी का हॉर्न बजाती है ताकि उसकी सास गेट खोल सके, लेकिन सरला तो हॉर्न की आवाज सुनकर अपने कान बंद कर लेती है और लगातार रूबी हॉर्न बजाने लगती है। फिर कुछ समय बाद खुद से रूबी घर का दरवाजा खोलती है और खुद से ही स्कूटी को घर के अंदर एक कोने में लगाने के बाद अपनी सास से कहती है, माँ जी जब आपको पता है मैं गेट खोलने के लिए हॉर्न बजा रही हूँ तो आपने गेट खोला क्यों नहीं? तू गाड़ी का हॉर्न बजा रही थी या प्रदूषण फैला रही थी? तभी तो यहाँ दिल्ली में इतना प्रदूषण है, देख तूने कितना शोर मचाया है, मुझे तो ऐसा लगा कि मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे। माँ जी हम इतना सोचने लगे तो हमारा भला तो हो ही गया समझो, कोई इतना नहीं सोचता कि किसने कैसे प्रदूषण फैलाया और कौन क्या कर रहा है। हाँ सही कह रही है बहू तू, इसमें तेरी भी गलती कहाँ है, हर कोई यही तो करता है कि मैं शुरुआत क्यों करूं, और भी तो लोग हैं, क्या वो शुरुआत कर रहे हैं? माँ जी आप रहने दीजिए, हमारे देश का कभी भला ही नहीं हो सकता, आप कितनों को रोक सकती हैं, और अब मैं ऑफिस से आई हूँ तो प्लीज मुझे परेशान ना करें। इतना बोलने के बाद रूबी अपने काम में लग जाती है, लेकिन सरला खुद से कहती है, आजकल के बच्चों को कुछ भी कहो तो उन्हें बहुत बुरा लगता है, लेकिन सच तो यही है कि एक के पहल करने से ही दूसरा भी पहल करेगा, लेकिन दूसरा भी पहल के भरोसे बैठा है। जाने दो दिन की ही तो बात हो, फिर तो मैं गांव चली जाऊंगी, वहां की ताजी हवा खाने को मिलेगी। सरला को शहर की हवा रास नहीं आ रही थी। अब अगली सुबह सरला भगवान का नाम जप रही थी, लेकिन तभी सरला की बहू रूबी हॉल में आती है और अपने दोनों हाथों पर करके जोर जोर से हंसने लगती है, यानी कि वो लाफिंग योगा कर रही थी। वो इतनी जोर से हंसती है कि सरला को अपने कानों पर हाथ रखने पड़ते हैं, और सरला ये देखकर अपनी बहू से कहती है, वैसे तो बहू मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मुझे ये समझ नहीं आता कि तो इतना ध्वनि प्रदूषण क्यों फैला रही है, ऐसा भला कौन हंसता है। माँ जी आपसे तो बात करना ही बेकार है, ये कोई प्रदूषण नहीं है बल्कि मेरा लाफिंग योगा है जो मैं कर रही हूँ। बहू तुझे पता तो है मैं भी गांव के स्कूल की प्रिंसिपल रह चुकी हूँ, और मुझे भी पता है कि प्रदूषण किन किन चीजों से होते हैं, और इसे हंसना नहीं कहते, राक्षसों की तरह हंसना कहते हैं। सरला तो दिल्ली के प्रदूषण से परेशान हो चुकी थी, वो छोटे मोटे प्रदूषण को भी रोकने की कोशिश में थी, लेकिन उसकी बहू कहाँ कुछ मानने को तैयार थी। अब ऑफिस जाते जाते सरला की बहू रूबी घर साफ करने के बाद जितना भी कचरा होता है उसे दरवाजे के बाहर ले जाकर जला देती है, और जब कूड़ा जलने के बाद घर के बाहर सरला काला धुआं देखती है तो सरला अपनी बहू से कहती है, बहू तूने तो प्रदूषण फैलाने का जिम्मा उठा ही लिया है, तो मुझे बता दे कि तू प्रदूषण ना फैलाने का क्या लेगी। ऑफिस जाते जाते आप शुरू मत हो जाना, ये कूड़ा है इसे जलाना तो पड़ेगा ही ना, वरना यहाँ तो सही सा कूड़ा फेंकने की जगह भी नहीं है, इसे जला दूंगी तो ये खत्म हो जाएगा। सरला की बहू तो ऑफिस चली जाती है, लेकिन सरला की आवाज़ सुनकर विमला घर से निकलती है और सरला से कहती है, क्या हुआ सरला बहन, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? कुछ नहीं विमला, एक तो मुझे यहाँ की हवा भी सूट नहीं कर रही, और दूसरा मेरी बहू इन कूड़ों को जलाकर चली गई, सांस लेने में और दिक्कत हो रही है। ये तो तेरी बहू का रोज का ही है, मैंने भी कितनी बार मना किया है लेकिन समझती ही नहीं है, कहती है कूड़ा खत्म करना है। सरला पूरे दिन घर में रहकर खाना पीना नहीं खाती, क्योंकि घर की घुटन और बाहर जाने पर हवा का जहरीलापन सरला को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, जिसके लिए अब जब शाम में रूबी घर आती है
तो वो आने के बाद घर का काम करने में लग जाती है। लेकिन सरला अपनी बहू रूबी के कमरे में जाकर लेट जाती है क्योंकि उस कमरे में एसी चल रहा था। जिसके बाद सरला देखती है कि उसकी बहू रूबी किचन से आई है और जल्दी से अपने कमरे का गेट बंद करके पाद मारकर पेट पर हाथ डालकर खुद से कह रही है, लगता है आज कुछ ज्यादा ही गैस बन गई है, पेट में दर्द भी हो रहा है, ना जाने क्या करूं। लेकिन जैसे ही रूबी पीछे घूमती है तो देखती है कि उसके बिस्तर पर उसकी सांस लेटी है। अब वो बिना कुछ बोले जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाती है और इधर सरला बदबू के मारे अपनी नाक पर हाथ रखकर बाहर निकलती है और अपनी बहू से कहती है, शर्म नाम की चीज कोई है कि नहीं तुझ में? घर में जो करने गई थी इसमें तुझे थोड़ी सी भी शर्म आई कि तेरी सास तेरे ही कमरे में लेटी हुई है? मेरा तो जीना हराम हो गया है, लगता है इस प्रदूषण में भी ना जाने तेरे जैसे कितने लोगों की गैस मौजूद है। माँ जी ये तो नेचुरल है, क्या ही कर सकते हैं। अब आ रही थी तो मैंने सोचा आप मेरे कमरे में तो जाती नहीं है, लेकिन आज तो आप मेरे ही कमरे में थी। मुझे क्या पता था कि तू अपने कमरे में तोप पर गोला छोड़ने आने वाली है, वरना मैं थोड़ी यहाँ उड़ने के लिए बैठी होती। सरला अपनी बहू के प्रदूषण फैलाने की आदत से परेशान थी और दिल्ली में आकर तो वो सबसे ज्यादा दिल्ली की हवा से परेशान हो गई थी, जो कि बिल्कुल भी ताजी महसूस नहीं करवा रही थी। अब सरला अपनी बहू से बोल पड़ती है, बहू मेरा यहाँ जीना हराम हो गया है, अब तो तू अपने प्रदूषण फैलाने वाली आदत को छोड़ने नहीं वाली, अब तू मुझे माफ कर और मुझे गांव जाने दे। अब मुझे 10 सालों तक भी यहाँ मत बुलाइयो, मुझे तो यहाँ आना ही नहीं है। जो भी हो, लेकिन माँ जी यहाँ के लोग क्या प्रदूषण की वजह से अब शहर छोड़ दे, ऐसा नहीं है। अब प्रदूषण है तो उसका हल भी तो है ना, रहने वाले रहते ही हैं। रहने वाले कितने स्वस्थ हैं वो तो मुझे भी अच्छे से पता है बहू, मुझे माफ कर लेकिन मेरी टिकट कटवा और मुझे गांव जाने दे। तू रह अपने प्रदूषण वाली हवा के साथ इधर ही, क्योंकि तुझे पता है गांव में कितनी हरियाली है, वहां पर एक चैन की सांस लेने के लिए सोचना नहीं पड़ता। किसी भी समय दिन हो या रात हो या सड़ी दोपहर ही क्यों ना हो, बाहर निकलने पे हमेशा ताजी हवा मिलती है। हर घर के चारों तरफ तुझे कितने ही पेड़ लगे दिखेंगे जो कि प्रदूषण वाली हवा को खुद में सोख के हमें ताजी हवा प्रदान करते हैं। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पे बिल्डिंगें तो बहुत बड़ी हो रही हैं, लेकिन जो बड़े पेड़ हैं उन्हें काट के छोटा कर दिया जाता है, ना तो उनकी छांव किसी काम की होती है ना ही उनके फल। और आजकल की गाड़ियाँ, इतनी गाड़ियाँ सड़कों पर घूम रही हैं कि उनसे निकलने वाला प्रदूषण हमारी जान ले रहा है। किसी एक इंसान को थोड़ी दूर भी जाना हो तो वो अपनी गाड़ी निकाल लेता है, किसी को घूमने जाना हो तो वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को छोड़कर अपनी गाड़ी पे जाता है। इन सभी से कितना धुआं होता है, कितना प्रदूषण फैलता है। और तो और ये छोड़, अरे जरा सा किसी का जन्मदिन पार्टी होती नहीं है कि इतनी तेज आवाज में गाने चला लेंगे जो कि ध्वनि प्रदूषण फैलाती है। 4 लोग ऐसे लड़ते हैं जैसे एक दूसरे को मार ही डालेंगे और उनकी आवाज खुद के कानों के साथ साथ दूसरों के कानों से भी खून निकालती है। ऐसी जगह कोई रहने लायक होती है? अरे ये धरती भगवान ने कितनी अच्छी बनाई है, प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, लेकिन लोगों को अच्छी जिंदगी छोड़कर हमेशा प्रदूषण वाली जिंदगी ही क्यों पसंद आती है? भाग दौड़ सबकी जिंदगी में होती है, गांव के भी लोग अपना गुजारा करते हैं लेकिन वो लोग अपनी सेहत से कोई खिलवाड़ नहीं करते। अरे गांव का बच्चा बच्चा पेड़ और पौधे लगाना जानता है, पेड़ों की रक्षा करना जानता है, स्वच्छ हवा में सांस लेने से उनकी आयु भी लंबी होती है। और शहर में देख लो, 50 के हुए नहीं कि 36 बीमारियों का शरीर लेके हॉस्पिटल के चक्कर काटते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ के लोगों को प्रदूषण फैलाना तो आता है लेकिन साफ करना नहीं आता। किसी चीज की शुरुआत करने को बोल दो तो अपने कदम ऐसे पीछे हटाएंगे जैसे मौत के कुएं में उन्हें धक्का दिया जा रहा हो। इतना बोलकर रूबी अपनी सास की टिकट कटवा देती है और वो अपने गांव जाती है, क्योंकि सरला को गांव जैसी ताजी हवा कहीं भी नहीं मिली थी, जिस वजह से वो गांव जाना ही सही समझती है। आंखों पर चश्मा लगाए हुए, एक हॉट सी ड्रेस पहने हुए मोनिशा मॉल में अपने लिए कुछ कपड़े खरीद रही थी, तभी उसे एक बहुत ही सेक्सी सा बैकलेस आउटफिट नजर आता है और वो उस आउटफिट को देखती है और कहती है, उलाला यही तो है जिसकी मुझे तलाश थी, परफेक्ट बैकलेस ड्रेस,
धीरव इसमें मुझे देखकर पावला ही हो जाएगा। चलो जल्दी से पहनकर फिटिंग चेक करती हूँ। इतना कहकर मोनिशा उस बैकलेस ड्रेस को लेकर ट्रायल रूम में जाती है और पहन कर देखती है, जिसके बाद वो उस ड्रेस को खरीद लेती है। शॉपिंग करने के बाद मोनिशा मॉल से बाहर निकल ही रही थी कि तभी मोनिशा का बॉयफ्रेंड धीरव कॉल करता है और मोनिशा कॉल उठा कर कहती है, हेलो बेबी, कैसे हो? अच्छा हूँ बेबी, तुम कहाँ हो? बस शॉपिंग कर रही थी। ठीक है, शाम को डेट पे जाना है, याद है ना? डेट? कौन सी डेट? आज तो मुझे मेरी फ्रेंड के साथ जाना है। ओह अच्छा, कोई नहीं, रमोना का आज भी कॉल आया था, उसी के साथ चला जाता हूँ। अच्छा बताऊँ, अभी दो लगा दूंगी तुम्हारी उस रमोना को, तो मैं तुम ना मेरे हो, मेरे थे और मेरे ही रहोगे। आज शाम को हम डेट पर जा रहे हैं, मुझे अच्छे से याद है। उस रमोना का नाम लेकर ना मुझे चिढ़ाया मत करो। अरे अरे मेरा स्वीटू, गुस्सा नहीं करते, मजाक कर रहा था, शाम को मिलते हैं। ओके ओके। इतना कहकर मोनिशा कॉल कट कर देती है और जल्दी से अपने घर आ जाती है। शाम ढल जाती है, मोनिशा अपना मॉल से लाया हुआ न्यू बैकलेस ड्रेस पहनकर रेडी हो जाती है, जिसके बाद वो खुद को शीशे में देखकर खुद की तारीफ करते हुए कहती है, वाह मेरी जान, कयामत लग रही है। हाय मुझे खुद से इतना प्यार कब हो गया, वारी जावा अपनी पतली कमर और इस बैकलेस ड्रेस पे। तभी कमरे में मोनिशा की माँ कमला आती है और अपनी बेटी का बैकलेस ड्रेस देखकर कहती है, आय हाय मोनिशा, शर्म नहीं आती अधनंगे कपड़े पहनते हुए? क्या है माँ, देखो मुझे बाहर जाना है, प्लीज मेरा मूड मत खराब करना। तेरा मूड गया घुइया के खेत में, इस कमर को ढक ले, नहीं तो मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। माँ ये फैशन है। मेरे पास एक फैशन है, गाल पर चाटा मारकर टैटू बनाने का, कहे तो मैं अपना फैशन दिखाऊं। आप तो जज्बाती हो गई, जैकेट पहन रही हो, माँ मैं ऐसे कैसे चली जाऊंगी? बिल्कुल। इतना कहकर मोनिशा पास में रखा जैकेट उठाती है और जल्दी से पहनकर गोली की तरह भाग जाती है। कुछ ही देर बाद मोनिशा सिटी पैलेस होटल में पहुंचती है, जहां धीरव उसका वेट कर रहा था। मोनिशा जैकेट को उतारकर अपने हैंडबैग में डाल लेती है और धीरव के पास जाती है, जहां धीरव उसे देखकर कहता है, क्या बात है, आपके प्यार में तो हम पहले से घायल हैं, अब ऐसे बैकलेस पहनकर क्यों मारना चाहती हो मेरी जान? हाय सच्ची जान तो तुम्हारी मैं हूँ, ऐसे कैसे मर जाओगे? बात तो ये भी सही है, वैसे बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो आज। थैंक यू। ऐसे ही मोनिशा और धीरव अपनी डेट एंजॉय करते हैं और कुछ देर बाद धीरव मोनिशा को उसके घर छोड़ देता है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है, मोनिशा और धीरव अपने अपने घर वालों को अपने रिश्ते के बारे में बता देते हैं। दोनों के घर वाले अपने बच्चों की खुशी को समझते हुए आपस में सलाह करके धीरव और मोनिशा का रिश्ता पक्का कर देते हैं। कुछ ही दिनों में मोनिशा और धीरव की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद मोनिशा एक बहुत अच्छी बहू की तरह घर की सारी जिम्मेदारियां निभाती है, पर उसका बैकलेस पहनने का क्रेज शादी के बाद भी कम नहीं होता। ऐसे ही एक दिन जब मोनिशा रसोई में काम कर रही थी, तभी वहाँ पर उसकी सास रितु आकर कहती है, बहू तो ये कोई लाज शर्म ना है क्या? क्यों माजी, क्या हुआ? कपड़े पहने तो खड़ी हूँ, शर्म किस बात की? अरे ये जो पीठ दिखती है तेरी वो? माजी क्या आप भी, अरे ऐसे बैकलेस तो आजकल फैशन में है, और वैसे भी धीरव को बैकलेस बहुत पसंद है। देख बहू, घर में तो ये सब चल जावे है, पर तू ये बाहर भी पहन कर जावे है, ये ठीक ना है। माँ जी बैकलेस ही तो पहना है, बिकनी थोड़ी ना पहनी है, जो आप ऐसे कह रही हैं। अरे पागल हो गई है क्या, कुछ भी बोले जा रही है। देख बहू, हम तो ठहरे घर के लोग, हमारी नियत शुद्ध साफ है, पर बाहर के लोगों का कोनो भरोसा ना है, कौन क्या सोचत है इसलिए कह रही हूँ। माँ जी आज के दौर में बैकलेस पहनना आम सी बात है, आप बिना पता नहीं क्या दुनियादारी का ज्ञान लेके बैठ जाती है। देख बहू, मेरा काम तो है समझाना था, तो मुझे समझा दियो, समझना ना समझना तो ऊपर है, अब तू पेट दिखा के गो, जा टांगे, हमको ना ही मतलब। ठीक है, अब नाश्ता कर ले, इस मुद्दे को यहीं दफन करो। इतना कहकर मोनिशा अपनी सास की बक बक बंद करवा कर उन्हें नाश्ता परोस देती है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं, पर मोनिशा का बैकलेस पहनना बंद ही नहीं होता। रितु ने भी अब मोनिशा को बोलना ही छोड़ दिया था। ऐसे ही एक दिन
मोनिशा घर की साफ सफाई कर रही होती है कि तभी वहाँ हाथों में थैला लिए हुए एक आदमी आकर कहता है, जी रितु जी हैं। जी आप कौन, किसने बुलाया है? रितु मेरी सास है, कहिए। जी मुझे एसी रिपेयर करने के लिए बुलाया है रितु जी ने, उनका फोन आया था। ओ अच्छा, माँ जी ने बताया था, मैं भूल गई। आइए मैं आपको एसी वाले रूम में ले चलती हूँ, मेरे पीछे चलिए। जी ठीक है। वो आदमी मोनिशा के पीछे पीछे चलने लगता है और मोनिशा की चढ़ती जवानी और उसका बैकलेस ब्लाउज देखकर उस आदमी का मन बहकने लगता है। दोनों एसी वाले कमरे में पहुंच जाते हैं, तभी मोनिशा कहती है, जी ये है एसी, आप इसे रिपेयर कर दीजिए, मैं अभी आती हूँ। वैसे आप कुछ लेंगे, चाय ठंडा? जी हाँ जी, पानी पिला दीजिए। उस आदमी की बात सुनकर मोनिशा उसके लिए पानी लेकर आती है और वो आदमी पानी लेने के बहाने से मोनिशा का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, ओह सॉरी सॉरी, इट्स ओके, काम खत्म करो और जल्दी जाओ। इतना कहकर मोनिशा वहाँ से चली जाती है। कुछ ही देर में वो आदमी एसी ठीक कर देता है और पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। वक्त गुजरने लगता है और वो आदमी अब चुपके चुपके मोनिशा पर नजर रखने लगता है। और एक दिन जब धीरव और रितु बाजार गए होते हैं, तभी वो आदमी अचानक से घर में आ जाता है और सीधा मोनिशा के कमरे में घुस जाता है। उस आदमी को अचानक कमरे में देखकर मोनिशा कहती है, तुम तो वही हो ना एसी वाले, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अभी किया कहाँ है, करने आया हूँ जान। ये तेरी कातिल जवानी और तेरे ये बैकलेस जानलेवा है, कसम से जब से देखा है सोना खाना सब हराम हो गया है। होश में तो हो ना, क्या बकवास कर रहे हो, निकलो यहाँ से, नहीं तो अभी के अभी चिल्ला कर सबको बुला लूंगी। मुझे सब पता है, इस वक्त तेरे घर पर कोई नहीं है। अरे दीवाना हो गया हूँ तेरा, कितनी बिजली गिरती है मेरे दिल पर तुम्हारी बैकलेस कमर देखकर। मैं तो क्या कोई भी बहक जाए, आज तो तुझे अपना बनाकर ही दम लूंगा। इतना कहकर वो आदमी जबरन मोनिशा के करीब जाने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ पर धीरव और रितु आ जाते हैं और धीरव जमकर उस आदमी की धुलाई करता है और उसे पुलिस के हवाले कर देता है। जिसके बाद मोनिशा सभी को सारा सच बताकर कहती है, माँ जी आप सही कहती थी, बाहर वाले लोगों की नीयत का कोई भरोसा नहीं है, कब किसका ईमान डोल जाए कुछ नहीं कह सकते। आज के बाद मैं बैकलेस कभी नहीं पहनूंगी और अगर घर में पहनूंगी भी तो अनजान आदमियों के सामने उसे कवर कर लिया करूंगी। तो एक खुद ही समझ आ गया, ये तो अच्छी बात है, मुझे शिकायत ना है तो उसे। तुम ठीक हो, कुछ गलत नहीं हुआ, इसी बात का सबसे ज्यादा शुक्र है, जो हुआ भूल जाओ। इस हादसे के बाद से मोनिशा को एक सबक भी मिल जाता है और उसका बैकलेस पहनना भी छूट जाता है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।